कहीं आप भी उबले अंडे के इस पानी को किचन में फेंक तो नहीं देते हैं? दोस्तों अगर आप ऐसे फेंकने की गलती करते हैं तो दोस्तों आप रुक जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को आज आखिर तक जरूर देखते हैं तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि उबले अंडे का पानी क्या चीज़ है और इसे क्यों नहीं फेंकना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और पूरा पूरा भरपूर फायदा उठाएं। दोस्तों अंडे के इस पानी में दोस्तों जो ये उबलता हुआ पानी है इसमें ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पानी में दोस्तों पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है और जिसके कारण ये पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बाजू में घंटे का आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले फायदेमंद वीडियोस आप तक यहीं पहुंचती रहे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों अंडे के बारे में सबको पता है कि संडे हो या मंडे, दोस्तों अगर आप दो अंडे खाते हैं रोजाना तो दोस्तों आपको बीमारी से बचे रहते हैं आप और आपका शरीर तंदुरुस्त बना रहता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अंडे के इस पानी के अंदर दोस्तों बहुत से गुण पाए जाते हैं। पानी में दोस्तों जिस पानी में उबाला जाता है इस पानी में दोस्तों काफ़ी फायदेमंद होता है ये पानी, और केवल इसका इस पानी के इस्तेमाल से आप दोस्तों बहुत से चमत्कारी फायदे ले सकते हैं दोस्तों। और आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप देखते हैं तो आप कभी भी उबले अंडे के इस पानी को नहीं फेंकेंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ इस बात की। तो दोस्तों सबसे पहली बात, दोस्तों ये जो पानी है एक बहुत ही बेहतरीन खाद का काम करता है। दोस्तों कुछ लोग हैं जिनको बागवानी का शौक होता है लेकिन फ्लैट में आप केवल 3 से 4 गमलों में ही बागवानी कर सकते हैं, वो भी अगर धूप अच्छी आती हो तो। तो इसका मतलब ये है कि जिनके फ्लैट में धूप नहीं आती क्या वो बागवानी नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन उन्हें बागवानी के लिए दोस्तों दूसरे से ज़्यादा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस मेहनत से बचने के लिए उन्हें उबले हुए अंडे का पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उबले हुए अंडों का जो पानी है और अंडे का जो छिलका है ये दोस्तों दोनों ही खाद का काम करते हैं, और इस बात की पुष्टि हाल में ही एक अध्ययन यानी रिसर्च के द्वारा की गई। और ये जो रिसर्च किया गया था ये किया गया था मास्टर गार्डनर ऑफ हैमिल्टन द्वारा किया गया था, और इस रिपोर्ट में के अनुसार पाया गया कि जिस पानी में अंडे उबलते हैं उस पानी में अंडे उबलने के बाद अंडे के जितने भी पोषण तत्व होते हैं वो सारे के सारे उस पानी में आ जाते हैं, जो पौधों के लिए खाद का काम बहुत ही अच्छा करता है। दोस्तों है ना कमाल की बात। दूसरी बात, दोस्तों पोषण तत्वों से भरपूर होते हैं अंडे के ये छिलके। अंडे के छिलकों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, थोड़ी मात्रा में फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और सोडियम भी पाया जाता है। ऐसे में जब आप अंडे उबालते हैं और ये तत्व सारे पानी में मिल जाते हैं तो ये सारे तत्व उन पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं जिनके ऊपर भी आप ये पानी और ये छिलके डालेंगे। दोस्तों ये तत्व पौधे के लिए होते हैं बहुत ही उपयोगी। आपको शायद मालूम होगा कि ये जितने भी तत्व होते हैं ये काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दरअसल पौधों को अपनी कोशिकाओं के विकास के लिए ये सारे तत्वों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर मिट्टी से ही मिल जाते हैं या ऊपर से खाद के द्वारा दी जाती है तो दोस्तों ऐसे में जो हमारे पौधे हैं वो अच्छे ग्रो होते हैं। कभी कभार होता यह है कि जब मिट्टी में जो पोषण तत्वों की कमी हो जाती है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बाजार से लोग लेके आते हैं ऑर्गेनिक खाद जो काफ़ी महंगी होती है और आसानी से मिलती भी नहीं। तो दोस्तों ऐसे में आप अगर उबले अंडे का ये पानी इस्तेमाल करते हैं और उबले अंडे के छिलके इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ये आपका एक नेचुरल ऑर्गेनिक खाद का काम करता है, और इससे आपके पौधे दोस्तों अच्छी ग्रोथ भी होती है और उन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव भी नहीं होता। दोस्तों टमाटर के पौधों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है ये पूरा पूरा पैकेज, यानी अंडे का पानी और अंडे के छिलके। वैसे तो हर पौधे के लिए सहायक होता है जिन्हें आप घर के अंदर उगाते हैं, और उन्हें आप अगर पर्याप्त मात्रा में दोस्तों धूप नहीं दे पाते हैं तो ऐसे में आप ये अंडे के छिलके और अंडे के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी विशेष तौर से दोस्तों टमाटर और मिर्च के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों है ना कमाल का पानी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आज से ही आप इस पानी को दोस्तों यूं ही ज़ाया नहीं करेंगे और इसका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। हम जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।